स्टोरी कंटिन्यू होता है और इसके बाद साकुरा को ब्रेकफास्ट बनाते हुए दिखाया जाता है। तभी पीछे से टेंडो आकर उसे फ्लर्टिंग करने लगता है। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, जहां वो कहती है मुझे अपने नाइट शिफ्ट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, लेकिन टेंडो उसे रोकता है और फिर से फ्लर्टिंग स्टार्ट करता है। बट तभी उसके सिस्टर आ जाती है और साथ में निशी भी रहता है। साकुरा टेंडो की सिस्टर से पूछती है इस ड्रेस में क्यों हो, जहां वे दोनों बताते हैं कि टेंडो की सिस्टर को अरेंज मैरिज के लिए लड़के वाले देखने आए थे, पर निशी उसे वहां से भगा लाया। फिर निशी टेंडो को ब्रदर इन लॉ कहता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे अपने साथ घर चलने कहती है, लेकिन टेंडो मना करता है। तब वो साकुरा को अपने साथ चलने कहती है कि अगर मैं किसी को साथ लेके जाऊंगी तो मुझे उतना डांट नहीं मिलेगा। फिर बताती है टेंडो अगर डेविल है तो मेरे पापा डेविल के बॉस हैं। ये सुनकर साकुरा को काफी डर लगने लगता है। इसके बाद टेंडो की सिस्टर कहती है पर मुझे पता है तुम टेंडो से शादी करना चाहती हो। ये सुनकर साकुरा टेंडो के साथ अपना शादी का इमेजिनेशन करके खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन साकुरा टेंडो की सिस्टर के साथ उसके घर पहुंचती है, जहां बाहर ही साकुरा डेविल टेंडो के डेविल फादर से मिलती है, जो टेंडो से भी ज्यादा कोल्ड थे। दूसरी तरफ टेंडो सोचता है मुझे कुछ बैड फीलिंग फील हो रहा है, फिर वो जाने लगता है। तब हेड कहता है गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद हमारे हॉस्पिटल में इस 25% का MMI ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है तो तुम्हें शामिल होना पड़ेगा। वहीं इधर साकुरा उसके फादर को देखकर काफी नर्वस फील कर रही थी। वो बताती है कि उसका नाम साकुरा है। जहाँ टेंडो के फादर कहते हैं तो इतना हंस क्यों रही हो, टेंडो की मदर कहती है उसके साथ इतना रूड मत बनो। इधर उसके फादर अपनी बेटी से कहते हैं तुम आखिर करना क्या चाहती हो, ना तो तुम कोई जॉब करती हो, ना फैमिली बिजनेस हैंडल कर रही हो और ना ही शादी करना चाह रही हो। उसकी मम्मी कहती है पर हमारे प्रॉपर्टी का देखभाल तो यही करती है। जहाँ वे कहते हैं पर वो जॉब तो हम ही नहीं से दिया है, इसके अलावा और ये करती ही क्या है, कोई फ्यूचर ही नहीं है इसका। तब बीच में साकुरा कहती है मुझे विश्वास है इसका एक ग्रेट फ्यूचर है, क्योंकि ये रियलेबल है, हमेशा इनकरेज करती है और अपने भाई का ख्याल भी रखती है, ये सबसे कूल गर्ल है। बीच में ही उसके फादर साकुरा को इग्नोर कर फिर उसे डांटने लगते हैं। तब टेंडो की मदर लंच के लिए सबको बुलाती है, जहाँ साकुरा उनका बनाया गर्मा गर्म मोमोज ट्राई करके उछलते रहती है। ये देख उसके फादर कहते हैं कितना एम्बेरसिंग है, एटलीस्ट तुम्हें ढंग से बिहेव करना सीखने आना चाहिए, वैसे तुम हो कौन। और तब टेंडो कहते हुए आता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर उसे प्रॉपरली अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है यही वो लड़की है जिसने मुझे चेंज किया है, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर साकुरा काफी एक्साइटेड होती है। वहीं उसके पेरेंट्स काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दिया था कि टेंडो अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढेगा। फिर सब खाने बैठते हैं, जहाँ टेंडो साकुरा को देखकर स्माइल करता है और उसके फेस में स्माइल देख उसके फादर को काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन निशी टेंडो के सिस्टर से मिलने आता है और कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से माफी मांगना चाहता हूँ। इस पर वो कहती है कोई बात नहीं, अब उनका मूड सही है। फिर उसे बताती है कि अब मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट क्यों हुई थी, क्योंकि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। फिर कहती है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस हॉस्पिटल को संभालूंगी, अपने पैर पर खड़ा होकर अपने फादर को गलत प्रूव करूंगी, और तुम्हें ये कहना गलत रहेगा कि तब तक तुम मेरा वेट करना, तुम मेरा वेट नहीं भी कर सकते हो। दूसरी तरफ टेंडो साकुरा को एक चिल्ड्रन पार्क ले जाता है, जहां वो कहती है एक बार फिर रिपीट करो कि तुम उसे शादी करना चाहते हो, मुझे तो अब भी सपना लग रहा है। टेंडो कहता है एक बार अपने आप को पिंच करके देखो। तब साकुरा उसे हक करते हुए आई लव यू कहती है। सीन शिफ्ट होता है और साकुरा गॉडजी को थैंक यू कहती है। वहीं टेंडो कहीं जा रहा था, जहां रास्ते में उसका नजर एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में सब साकुरा को कम काम करने कहते हैं, जहां वो कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर किसुजी शाकाई को देखकर उसका प्रपोजल याद करता है। तभी वहाँ एक स्टाफ का ब्रदर आता है जो मेडिकल लॉयर था। एक स्टाफ उसके हैंडसमनेस को देखकर उसके पीछे पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन मिनोरी की सिस्टर टेंडो और साकुरा को ट्रीट देती है, जहाँ साकुरा उसका फेवरेट फूड देखकर काफी एक्साइटेड होती है और खाने में भी मिस्टेक करती है और टेंडो उसे यहाँ पे इडियट कहता है। मिनोरी उन्हें देखकर काफी खुश होती है और अपनी सिस्टर का एक डायरी दिखाती है, जिसमें उसका लास्ट विश था कि टेंडो का हंसी दोबारा वापस आए, इसलिए वो साकुरा को थैंक यू कहती है अपनी सिस्टर का लास्ट विश पूरा कर देने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और शाकई किसुजी को एक पेशेंट के बारे बताती है कि उसे ऑक्सीजन थेरेपी का जरूरत है और वो ये घर में करना चाहता है। जहाँ किसुजी कहता है ठीक है मैं इस बारे सोचूंगा। तब शाकई कहती है तुम इस तरह के फेस तब बनाते हो जब तुम फ्रस्ट्रेट होते हो, तुम करीब रेट खाते हो जब तुम टायर्ड होते हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। तब टेंडो आकर कहता है तो वो तुम्हें अच्छी तरह से जानती है। तभी हेड आकर उन्हें बताता है कि उस बच्ची पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। अगले सीन डिस्चार्ज के समय सब उसे मिलते हैं, जहाँ वो कहती है मैं भी खूब स्टडी करूंगी और टेंडो जैसी ग्रेट डॉक्टर बनूंगी। इसके बाद हॉस्पिटल की हेड नर्स और वार्ड इंचार्ज साकुरा से कहती है कि तुम्हें अब्रॉड जाकर आगे का पढ़ाई और बेस्ट ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे में एक हेड नर्स बनने का क्वालिटी है। पर साकुरा कहती है नहीं, अब तक से मैं टोक्यो से बाहर नहीं गई हूँ, अब्रॉड कैसे जा पाऊंगी, ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा।
और इधर टेंडो उन्हें सुन लेता है। अगले दिन दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें टेंडो को जीत कर बड़ा मजा आता है। साकुरा गेम दोबारा खेलती है और इस बार वो टेंडो से इतना क्लोज होती है कि टेंडो से किस कर लेता है और गेम भी हार जाता है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं जिसके बाद टेंडो उसे बताता है कि उसकी सिस्टर ने डैड का हॉस्पिटल संभालने का जिम्मा लिया है। यह सुनकर साकुरा काफी खुश होती है। फिर वो कहती है, सॉरी मैं तुम्हारे फादर के सामने ठीक से बिहेव नहीं कर रही थी। जहाँ वो कहता है, कोई बात नहीं, वो वैसे ही है। साकुरा कहती है, तुम भी अपने फादर के जैसे ही हो, डेविल। नेक्स्ट सीन साकुरा सो जाती है और हम टेंडो को उसके लिए परेशान होता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट सीन एक स्टाफ टेंडो को उसका आज का अपॉइंटमेंट शेड्यूल लिस्ट देता है। जब वो उसे अपने ड्रॉअर पर रखता है तो हमें यहाँ एक गिफ्ट दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन टेंडो की सिस्टर एक इंटरव्यू लेने जा रही थी जहाँ उसके फादर कुछ दूसरा काम करने कहते हैं, मगर वो चली जाती है। और यहाँ वो देखती है कि सामने इंटरव्यू देने नीसी आया था। वो कहता है, एज ए नर्स मैं अभी तक सीख ही रहा हूँ और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी नहीं हूँ, बट मैं अपने आप को मैच्योर करना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे अंडर काम करके खुशी होगा। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे तुम खुश होगी। तब टेंडो की सिस्टर उसे हक कर लेती है। वहीं इधर उसके फादर ये देख उनके फेस में स्माइल होता है। दूसरी तरफ साकुरा एंड टेंडो टेम्पल जाते हैं, फिर साथ साथ चलते हैं। यहाँ साकुरा कहती है, ये वही प्लेस है जब फर्स्ट टाइम मैं तुमसे मिली थी और तुमसे मिलने के बाद ही मैंने नर्स बनने के लिए इतना मेहनत करा। तब टेंडो कहता है, मैं जानता हूँ तुम आगे का स्टडी करने के लिए जाना चाहती हो, इसलिए अपने आप को मत रोको, चली जाओ। साकुरा कहती है, नहीं मैं ये इमेजिन तक नहीं कर सकती हूँ कि मैं साल भर तुमसे दूर रहूंगी। तब टेंडो उसे हक कर लेता है और कहता है, मैं भी ये इमेजिन नहीं कर सकता हूँ और न ही मैं तुम्हें जाने देना चाहता हूँ, पर मैं जानता हूँ तुम जाना चाहती हो और मैं भी तुम्हें एक बेटर नर्स बनते देखना चाहता हूँ, इसलिए सोचो मत और चली जाओ। अब से मैं भी तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहता हूँ। साकुरा पूछती है क्यों, जहाँ वो अपना स्कार्फ उसे पहनाते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ चेरिश करना चाहता हूँ। नेक्स्ट दिन इधर वार्ड के सारे स्टाफ साकुरा के लिए काफी खुश थे। इवन कुछ पेशेंट भी साकुरा को अपना बेस्ट विशेस देते हैं। साकाई भी उसे गुड लक कहती है। फिर वार्ड इंचार्ज कहती है, तो कल जाने से पहले आज तुम टेंडो के साथ डिनर करने वाली हो। साकुरा एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ हाई एंड रेस्टोरेंट में ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अगले दिन वो रेस्टोर जाती है जहाँ उनका पहले से ही सीट रिजर्व था। वहीं उधर टेंडो भी यहाँ आने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल से निकलता है, मगर तभी वहाँ एक पेशेंट के वजह से उसे इमरजेंसी काम पड़ जाता है। वहीं इधर मेन्यू देखकर साकुरा सोचती है, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है पर सारे अच्छे दिख रहे हैं। तभी टेंडो मैसेज करता है कि इमरजेंसी केस आ गया है और इसलिए अब उनका डिनर प्लान बर्बाद हो जाता है। उदास मन से वो बाहर निकलती है जहाँ बारिश स्टार्ट होने लगता है। वो बहुत ज्यादा सैड फील करती है। तभी वहाँ टेंडो आकर कहता है, सॉरी आने में लेट हो गया। साकुरा उसे तुरंत हक कर लेती है और कहती है, कुछ देर तुमसे नहीं मिली तो ये हाल हो रहा है, मैं साल भर तुमसे दूर कैसे रह पाऊंगी। नेक्स्ट डे किसुजी पूछता है, तो आज साकुरा जाने वाली है। जहाँ टेंडो कहता है, हाँ मैं उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एयरपोर्ट तक छोड़ने जाऊंगा। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है। वहीं इधर वार्ड इंचार्ज देखती है कि साकुरा का फ्लाइट 2 घंटा पहले है। ये देख बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं। उधर बीच कॉन्फ्रेंस में किसुजी टेंडो को इशारा करता है कि फ्लाइट 2 घंटा पहले है। ये जानकर टेंडो परेशान हो जाता है कि अब क्या करे। वो जल्दी जल्दी अपना लेक्चर खत्म करना चाह रहा था, मगर हेड उसे जाने कहता है कि मैं कॉन्फ्रेंस संभाल लूंगा, तुम जाओ। किसुजी भी कहता है, अरे डेविल डॉक्टर अब जाओ भी। वह इधर एयरपोर्ट पर खुद साकुरा को पता चलता है कि फ्लाइट 2 घंटा पहले है। इधर अब टेंडो भी एयरपोर्ट पहुंच जाता है और साकुरा को खोजने लगता है। फाइनली वो उसे देखता है और आवाज लगाता है एंड जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है, पहले मुझे हक कर लेने दो। फिर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, फर्स्ट पेशेंट के साथ सिंसियर रहना, सेकंड उन्हें अनकंफर्टेबल फील मत कराना एंड थर्ड एब्रॉड से वापस आकर मुझसे शादी करना। ये सुन वो काफी खुश होती है। फिर टेंडो उसे रिंग पहनाता है और कहता है, मुझे चीट करने के बारे सोचना भी मत। तब साकुरा उसे इडियट कहते हुए किस कर लेती है। अगला सीन एक साल बाद का दिखाया जाता है जब सेम हर साल की तरह पिछले साल की तरह न्यू ट्रेनी आते हैं जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं। उन्हें टेंडो और साकुरा का स्टोरी बताया जाता है। इसके बाद साकुरा भी जापान लौट आती है और टेंडो को देखकर काफी खुश होती है। टेंडो कहता है, तुम्हें देख के लग रहा है अब भी तुम मेरे प्यार में पागल हो। फिर साकुरा उसे हक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ साकाई और किसुजी का बात भी आगे बढ़ता है। इससे साकाई भी काफी खुश होती है और उन्हें देख साकुरा और वार्ड इंचार्ज भी काफी खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम सबको टेंडो और साकुरा के वेडिंग में पाते हैं, जहाँ एक स्टाफ साकाई और किसुजी को देखकर साकाई को टीज करती है कि लगता है इसके बाद तुम्हारा बारी है। यहाँ निशी भी टेंडो के सिस्टर के साथ आता है जहाँ सब पूछते हैं, तो तुम्हारा न्यू काम कैसा चल रहा है। जहाँ वो कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काम मस्त चल रहा है, सब काफी खुश रहते हैं। इसके बाद टेंडो और साकुरा का एंट्री होता है, सब उन्हें चेयर अप करते हैं, पर इसी बीच साकुरा का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है।
तब टेंडो उसे उसका हील पहनाता है, जहाँ वार्ड इंचार्ज कहती है लगता है ये कभी नहीं सुधरेगी, और इधर टेंडो उसे यहाँ भी इडियट कहता है। फिर दोनों एक दूसरे के अच्छे बुरे समय में साथ निभाने का वाव लेते हैं। यहाँ टेंडो तो अपना वाव ले लेता है, पर जब साकुरा का बारी आता है तभी उसे स्टाफ का ब्रदर बेहोश हो जाता है, इसलिए सब उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। उसके ट्रीटमेंट के बाद टेंडो साकुरा से कहता है, पर स्टोरी अभी खत्म नहीं हुआ है, तुमने अब तक से अपना वाव नहीं लिया है। तब साकुरा भी शादी का वाव एक्सेप्ट करती है और हम टेंडो के फेस में बड़ा सा स्माइल देखते हैं। सब उन्हें शादी मुबारक कहते हैं, फिर टेंडो उसे किस करता है, और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा स्टोरी का यही तो हैप्पी एंडिंग होता है।